न्यूटन्स के तीन लॉ होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से हम लोग ने दो लॉज ऑलरेडी पढ़ लिए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगी, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया हो, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सेकेंड लॉ था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम ऐसा डिस्क्राइब करते हैं कि पी इज इक्वल्स टू एम वी, यानी कि जो मोमेंटम होता है किसी बॉडी का वो उस बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं 8.5 जो कि है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये लास्ट लॉ है मोशन का। तीन ही लॉ होते हैं, फर्स्ट सेकेंड पढ़ चुके हैं, नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल्स अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन एंड प्रोवाइड अस विद अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। जो पहले दो लॉज थे मोशन के, उन्होंने हमें ये बताया कि कैसे फोर्स अप्लाइड फोर्स मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे चेंज कर सकते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑन टू द फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि थर्ड लॉ हमसे ये कहता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो सामने वाली बॉडी भी जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो वाली बॉडी भी हम पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है। मीन्स अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हम धक्का दे रहे हैं दीवार को, यानी कि हम फोर्स लगा रहे हैं किसी दीवार पर, तो दीवार भी हम पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी, इक्वल फोर्स। दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो दो फोर्सेस हैं मींस जो हम लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर और जो ऑब्जेक्ट हम पर लगा रहा है, वो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में हमेशा, मींस दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। अगर हम दीवार पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार भी हम पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन विल बी अपोजिट। These forces act on different objects and never on the same object. ये बहुत important line है कि ये जो दो forces होंगे वो हमेशा एक दूसरे के मतलब अलग अलग objects पर act करेंगे, same body पर act नहीं करेंगे। Means अगर हम force लगाएं तो हम दीवार पर लगा रहे हैं, तो एक force लग रहा है दीवार पर लेकिन दीवार हम पर लगा रही है, तो दूसरा force लग रहा है हम पर। तो ये बहुत important line है कि जो दो forces हैं जो हम लगा रहे हैं और जो सामने वाला ऑब्जेक्ट हम पे लगा रहा है, ये दोनों हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेंगे। इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम्स वी व्हाइल लुकिंग एट द फुटबॉल एंड ट्राइंग टू किक इट विद अ ग्रेटर फोर्स कोलाइड विद द प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम बोथ फील हर्ट बिकॉज ईच अप्लाई अ फोर्स टू द अदर। मीन्स कभी कभी फुटबॉल खेलते वक्त जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो जो अपोजिट टीम का प्लेयर है उसको भी हर्ट फील होता है, मतलब उसको भी लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है हर चीज़ का। हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं सामने वाले से भी सेम फोर्स लगता है, इसलिए सामने वाली टीम को भी हर्ट होता है। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ अ पेयर ऑफ फोर्सेस एंड नॉट जस्ट वन फोर्स, यानी कि एक पेयर काम करता है फोर्सेस का, एक पेयर मतलब एक फोर्स बस नहीं होती, एक पेयर होता है। The two opposing forces are called action and reaction forces. उन दोनों forces को action और reaction forces कहा जाता है। हम जो apply कर रहे हैं उसको हम कहेंगे action force, जो सामने वाले object से हमको मिल रहा है उसको हम कहेंगे reaction force. तो overall अगर हमें third law को define करना है तो कुछ important lines जो कि हमें third law में याद रखनी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि third law basically है क्या। तो the third law of motion states that when one object exert a force on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first. यानी कि अगर हम किसी object पे force लगाते हैं तो सामने वाला object भी हम पर force लगाएगा। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. ये जो forces होंगी वो हमेशा magnitude में तो equal होंगी but direction में opposite होंगी। Third line, these forces act on different object and never on the same object. ये जो forces है वो हमेशा different objects पे work करेंगी, कभी भी same objects पे work नहीं करेंगी। And the last important line is the two opposing forces are also known as action and reaction forces. जो force हम लगा रहे होंगे उसको नाम होगा action force, जो object हम पर लगाएगा उसको कहेंगे हम reaction force.